निर्यापक मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में 19 से 29 सितंबर के बीच एमडीजेन इंटर कॉलेज हरिपर्वत में 30वां श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन होगा। शनिवार को श्री दिगंबर जैन प्रभावना समिति के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने नारायण भवन में सहयोगी लोगों के साथ श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर का पोस्टर जारी किया। निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में 19 से 29 सितंबर के बीच एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत में 30वां श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर आयोजित होगा। शनिवार को श्री दिगंबर जैन प्रभावना समिति के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने नारायण भवन में सहयोगी लोगों के साथ श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर के पोस्टर को जारी किया। शिविर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि गुरुवर के सानिध्य में शिविर में देश भर से लगभग 3500 श्रावक भागीदारी करने जा रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में श्रावक मुनि व्रत का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए, ये 18 तारीख से 19 तारीख से 19 सितंबर 2023 से और 29 सितंबर 2023 तक ये बहुत बड़ा श्रावक संस्कार शिविर, मैं समझता हूँ भारत का सबसे विशाल श्रावक संस्कार शिविर लगने जा रहा है और इसकी वृहद पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। जो 4000 के करीब शिविरार्थी आ रहे हैं उनके ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। उनका भोजन तो खैर जैसे वो आश्रम पद्धति में रहते थे, पिछले पुराने टाइम में गुरुकुल पद्धति में रहते थे, उस हिसाब से वो घर घर जाएंगे और वहाँ पर भोजन करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। और यह एक ऐतिहासिक दृश्य तो हो गई, आगरा में ऐतिहासिक चातुर्मास पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का मंगलमयी यहाँ एमडीजेन इंटर कॉलेज में चल रहा है। ये आयोजन इतना विशाल रूप से किया जा रहा है, मैं समझता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष में ये प्रथम इतना बड़ा चातुर्मास है जिसमें देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक नगर के हजारों भक्तगण पूज्य गुरुदेव के यहाँ दर्शन करने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए संपूर्ण भारत से नित्य प्रति ये लगातार आ रहे हैं। इसी संदर्भ में जो अभी अपना ये कार्यक्रम ये श्रावक संस्कार शिविर जो होने जा रहा है, इस श्रावक संस्कार शिविर में इतने बृहस्त स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं क्योंकि इसमें हम आशा करते हैं कि बाहर के ही 5000 से अधिक भक्तगण यहाँ उपस्थित रहेंगे। साथ ही आगरा और निकटवर्ती समाज, आगरा है, एटा है, अलीगढ़ है, मैनपुरी है, फरक्काबाद, मथुरा, जहाँ जहाँ अपना जैन समुदाय है, उनकी भी हमें उम्मीद है कि वो भी 4-5 हज़ार श्रावक ये पूज्य गुरुदेव के इस मंगलमयी सानिध्य को प्राप्त करने के लिए 10 दिन में यहाँ पर एकत्रित होने जा रहे हैं। नारायण भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मौजूद श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति के प्रवक्ता मनोज जैन ने बताया कि ताज नगरी की धरा पर पहली बार गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर लगने जा रहा है। 10 दिवसीय शिविर में श्रावक चतुर्थ काल की तरह गुरुकुल में गुरुवर के सानिध्य में धर्म के मार्ग पर त्यागी व्रत का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। शिविर की शुरुआत प्रातः बेला में ध्यान योग के साथ हुआ करेगी। अद्भुत नज़ारा आगरा में दिखने वाला है। भारत में गुरुकुल पद्धति प्राचीन थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज उस पद्धति को पुनर्जीवित किए हुए हैं और वही पद्धति आगरा नगर में भी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर भी आगरा की कमेटी पूरी सकल जैन समाज मिलकर वो 4000 अतिथियों के स्वागत की ज़बरदस्त तैयारी कर रही है। 4000 लोगों को ठहराना, नित्य नियम की क्रियाएँ कराना और उसके बाद उनको नगर में, जो नगर का परकोटा हमारा 15 से 20 किलोमीटर है, उस पूरे नगर में उनको भ्रमण होगा। जो जहाँ पर निमंत्रण करा जाएगा उन्हें भेजा जाएगा, भोजन कराया जाएगा और मुख्य अट्रैक्शन रहेंगे यहाँ पर प्रातःकाल 4:30 बजे जो ध्यान होगा वो एक गजब की चीज़ होती है, लेकिन उसमें केवल शिविरार्थी जा सकते हैं और वो उस ध्यान की वजह से लोग आ रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि जीवन का परिवर्तन उनका हो जाता है। और जो दोपहर को क्लासेस चलेंगी, जो खुद मुनिराज छुल्लक जी विद्वानगण लेंगे, वो भी लाइफ चेंजिंग होता है उनके लिए। और जब रात्रि को आरती होगी तो गजब की होगी, सुगंध दशमी की आरती तो देखने योग्य होगी। इसमें कि धर्मभाई नगरी आगरा इसका चारों तरफ प्रभाव पड़ा है,
और मैं आगरा के लोगों से नहीं, ऑल इंडिया के सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस चतुर्मास में, इस संस्कार शिविर में सब लोग आमंत्रित हैं और सब लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि ऐसा शिविर पहले भी बहुत अच्छे अच्छे शिविर हुए, इस बार भी बहुत से अच्छे शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि इसमें सब हमें संस्कार शिविर में शामिल हों, क्योंकि इसमें IAS, IPS, बड़े बड़े डॉक्टर अफसर इसमें शामिल हो गए हैं। पर्वराज पर्युषण में सुगंध दशमी वाले दिन श्रावक संस्कार शिक्षण शिविर में भाग लेने वाले श्रावक नगर के श्रेष्ठी लोगों के साथ हजारों दीपों से श्री गजाराज शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्थित मान स्तंभ की संगीतमय आरती करेंगे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।